नमस्कार। कैराना विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सहारनपुर में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने धमकी देने के मामले में नाहिद हसन पर आरोप तय किए हैं। दरअसल विधायक नाहिद हसन के खिलाफ साल 2018 में गंगू कोतवाली में अरशद नामक व्यक्ति ने धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि एक मुकदमे को लेकर सपा विधायक ने उन्हें फोन पर देख लेने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायाधीश मयंक प्रकाश ने धमकी देने के मामले में सपा विधायक पर आरोप तय किए हैं, जबकि सरसावा थाने के घेराव के मामले में सभी 9 आरोपी पेश नहीं हो सके, जिस कारण इस मुकदमे में उन सभी पर आरोप तय नहीं हुए हैं। अदालत ने इसके लिए सपा विधायक सहित सभी आरोपियों को 27 अप्रैल को पेश होने के आदेश दिए हैं। जनवरी 2022 में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में शामली पुलिस ने नाहिद हसन को गिरफ्तार किया था। उन पर पहले से ही काफी मुकदमे भी दर्ज थे। नवंबर में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे। जमानत के लिए कोर्ट में यह भी दलील दी गई थी कि नाहिद हसन कैंसर से पीड़ित है, उनकी बीमारी 3rd स्टेज पर है और उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की आवश्यकता है। बता दी कि नाहिद हसन ने 2022 का चुनाव जेल में रहते हुए ही लड़ा था। पूरे चुनाव की कमान उनकी बहन इकरा हसन ने संभाली थी और नाहिद हसन ने जीत दर्ज की थी।